Hey everyone, welcome back to my channel. और आज मैं लेके आई हूँ शेज़वान जो बॉटल होती है, ग्लास बॉटल, उससे मैं करने वाली हूँ DIY. आप इससे पेन स्टैंड भी बना सकते हैं, बट मैंने बनाया है अपना मेकअप ब्रश का स्टैंड. तो आप देख सकते हैं मैंने कैसा बनाया है. तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. बहुत मेहनत लगती है बनाने में. सो, चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है ये. जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी बॉटल को वॉश कर लिया अच्छी तरीके से, उसके ऊपर जो स्टिकर्स थे वो निकाल दिए हैं. और उसके बाद मैं अच्छी तरीके से टेप जो होता है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली जो टेप होती है वो बोली जाती है ये, और उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से रैप कर दूंगी. और मैंने यहाँ पे स्प्रे पेंट यूज़ किया है, आप चाहें तो एक्रिलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से उसे स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया है. आप जौन सा मन चाहे वो वाला कलर यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि उसके जो पेंट है वो सूख जाए. और फिर उसके बाद हम इसमें डेकोरेट करेंगे. आप अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं. सो आफ्टर 30 मिनट्स मैंने कैसे डेकोरेट किया है ये मैं आपको दिखाऊंगी. तो जब ये पेंट सूख जाएगा उसके बाद मैंने ये सारी टेप निकाल दी है. तो आप देख सकते हैं कि जब मैं ये सारी टेप निकाल दूंगी तो भी ये सिंपल भी बहुत प्यारा लग रहा है. बट या मैं कुछ ना कुछ इसमें DIY कुछ ना कुछ क्राफ्ट करना चाह रही थी. तो मैंने कैसे करा है डेकोरेट आप ज़रूर देखें ये पूरी वीडियो. इसके बाद मैंने अपने एक्रेलिक पेंट लिए हैं जो कि मैंने उसमें येलो, वाइट, ग्रीन कलर और रेड कलर यूज़ किया है. तो मैं इससे इसमें फ्लावर बनाऊंगी और सिंपल फ्लावर्स बना रही हूँ जो कोई भी बना सकता है. मैंने कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं करा है इसमें, ये कोई भी कर सकता है. सिंपल करा है, बिल्कुल ईयरबड की हेल्प से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं और थोड़े थोड़े ग्रीन कलर से मैंने कोशिश करी है. जैसे ग्रीनरी भी इसमें थोड़ा सा दिखाऊँ मैं, ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है. और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे ये फ्लावर्स बनाए हैं येलो एंड वाइट कलर से. जो सेकेंड लाइन थी उसमें मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है क्योंकि मैं इसे डिफरेंट कलर से डेकोरेट करना चाह रही थी जिससे कि ये बहुत प्यारा लगे. और मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं इसलिए डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रही थी. तो यहाँ पे मैंने वाइट और पिंक कलर यूज़ करा है. और वाइट कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वाइट कलर से चीज़, कोई भी चीज़ हो, वो खिल जाती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है. तो आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं. मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ईयरबड की हेल्प से मैंने छोटे छोटे डॉट्स बना के फ्लावर क्रिएट किया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये. और उसके बाद मैं थर्ड लाइन में ग्रीन कलर और रेड कलर से मैं ये जो क्या कहते हैं स्मॉल स्मॉल से हार्ट शेप बना रही हूँ. और इसके बाद मैं इसमें कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस ऐसे ही ये डेकोरेट हो गया है. और मैंने थोड़ा सा उसके बाद मैंने जो सिल्वर कलर के मैंने हार्ट्स कट करके चिपकाए थे इसमें, जो ब्लैक कलर की आप लाइन देख रहे हैं वहाँ पे मैं सिल्वर कलर के हार्ट्स चिपकाऊंगी. और ये मैंने सिल्वर कलर की एक मेरे पर रिबन जैसा पड़ा हुआ था पहले से ही, तो इससे मैंने ये हल्का सा ऐसे नोट बांध दिया जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हैं. और गाइस, मैं जो भी DIY करती हूँ सिंपल DIY करती हूँ जिससे कि आप भी वो DIY ट्राई कर सकें.
और अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं इस तरह के DIYs, क्योंकि जिस तरह से कर्फ्यू चल रहा है और हमारे हम क्या करें, अपने बच्चों को भी किस तरह से बिज़ी रखें, तो आप इस तरह के DIY उनको भी दे सकते हैं करने के लिए, जिससे कि वो बिज़ी रहें। और इसलिए मैं सिंपल लेके आती हूँ। अगर आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं आपको किस तरह के पसंद हैं, किस तरह के आप चाहते हैं, मैं वो भी लेके आऊँगी ज़रूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे को आपकी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।